Hare
فلم يشهدوا كيتنا قرنا شكنا في دول عاشين سربتوا بمنتم فاشعبي قاندوا مريكشن سمنتا بيتكان لك جودي مكرمين وما كرم وَمَاسْيَ مِشْوَاسْيَ بَرَمْ لِلْعَالَمْ وَمَاسْيَ يَشَاشْ وَفَدَرْ بَدُوْتَ سَنَاكَ نَسْوَمْ قُرْهُ مَتُوْمِي أَنَا بِمَدْحَانْ جَمَنَنْ شفي سوريا ليتنا أشعامي بامديك هدى شبطن سوبي لزاوي سوبي لن أغنطن جاوك بديو جيب من كرمي بيابتن ويكي نبي شسك سروا إشتاك بوطنبوك ومبيان كبيرا نوكت كيانك جريكم مراتما عميق وانسور شمراء زنبي شجانك وذاك
जी का पाठ 17वां अध्याय श्लोक संख्या 21 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतं परेषु काले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहितम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्य विधस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदास्य यज्ञश्च विहिता पुरा तस्माद्भूमेत्युदासेत्य यज्ञदानतपक्रिया
प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सवित्ये तत्प्रयोज्यते रसस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाठयोज्यते यज्ञे तपसि दाने च सिते सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्योच्यते पार्थो न तत्प्रीत्यनुह्य अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्योच्यते पार्थो न तत्प्रीत्यनुह्य न तत्प्रीत्यनुह्य श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु वृङ्गविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धार्थविभागयोगो नाम सप्तदशः वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दम् वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 4 जुलाई 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम 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 राम
हमारे सामने दो काम है, एक संसार का काम करना है और एक अपना कल्याण करना है। दोनों में एक भी प्रधान जगह एक ही प्रधानता रखी जाए तो दोनों एक हो जाते हैं। जिसमें भी संसार का काम प्रधानता रखने से वो साथ में नहीं आता परमात्मा प्राप्ति का, और परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य रखा जाए तो सांसारिक काम ठीक हो जाता है। ये दोनों फर्क है। तो मुख्य परमात्मा की प्राप्ति है, वो करने के लिए ही मानव से ही मिला है। संसार का धंधा करने के लिए और भोग भोगने के लिए रुपया कमाने के लिए मानव से ही नहीं मिला है। पशु पक्षी आदि का शरीर ऐसा है, नार की शरीर ऐसा है कि अपने किए हुए कर्मों का भोग है, फल भोग है। ऐसे स्वर्गाधिक भोग भूमिया में भी अपने किए हुए कर्म का फल भोग है। स्वर्गाधिक में सुख भोग है, नरक और 84,000 जोड़ी में दुख है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता है, ये भोगने के लिए मिला है। पर मानव शरीर मिला है, ये सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिला है। ये तो केवल परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मिला है। सुखदायी व्यवस्था बनती है, परिस्थिति आती है तो वो आती है दूसरों का हित करने के लिए, वो भी साधन सामग्री है। और प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो भी साधन सामग्री है, भोग के लिए नहीं है। ना अनुकूलता भोगने के लिए, ना प्रतिकूलता भोगने के लिए। अनुकूलता अनुकूल सामग्री वो तो सबको सुख पहुंचाने के लिए, हित के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए, उपकार करने के लिए आई है। और दुखदायी परिस्थिति है वो सुख की इच्छा दूर करने के लिए आई है। तो सुख दुख दोनों जो मनुष्य शरीर में आते हैं वो भोगने के लिए नहीं आते हैं। दुख है वो सुख की इच्छा का त्याग कराने के लिए आती है। सुखदायी परिस्थिति आती है दूसरों को उपकार करने के लिए, तो केवल दूसरों के लिए हुआ है। अपने सुख की इच्छा का त्याग करना है वो भी दूसरों से रहने की इच्छा नहीं करनी है, अपनी इच्छा का त्याग करना है। सुख अपने नहीं भोगना है, औरों को देना है, औरों की सेवा करना है। तो त्याग करने के लिए आया है। अनंत जन्मों के पाप और पुण्य तरह तरह की जो सामग्री संग्रहित की है उन सबका नाश करके दोनों से ऊंचा उठने के लिए मानव शरीर मिला है। और वो मिला हुआ मानव शरीर हरदम जा रहा है। आप काम करें न करें, भजन करें न करें, पढ़े न पढ़े, जप करें न करें, काम सांसारिक करें पारमार्थिक करें न करें, सो जाए, परंतु उम्र तो खत्म हो रही है, गिनती के दिन है, श्वास है, वे तो हरदम खर्च हो रहे हैं। और मौत नित्य निरंतर पास में आ रही है। जो कोई नहीं चाहता वो नित्य निरंतर पास में आ रही है, इधर ख्याल नहीं करते। एक वहम पड़ा हुआ कि हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। जितने वर्ष आ गए हैं उतने तो मर गए हैं, अब बाकी कितना इसका पता नहीं है। पर जितना समय बीत चुका उतना तो उम्र में से कम हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात है। तो आध्यात्म उन्नति कब करेंगे, सेहत कब होगा, ये अभी है, अभी मौका है। जैसे मनुष्य में अभी मौका है,
ऐसे सत्संग का मौका, अब उस मौके में भी विशेष मौका है। ये मानव शरीर 84 लाख जोड़ी में दुर्लभ है, ऐसे मानव शरीर में भी सत्संग का मौका दुर्लभ है। जैसे 84 लाख जोड़ी में एक मानव शरीर है, ऐसे मानव शरीर में एक सत्संग का अवसर है। इस मौके में अपने ज्यादा उन्नति करनी चाहिए, साधन में तत्परता से लग जाना चाहिए, और जहाँ समझ में नहीं आवे वो बात पूछ करके और वो ठीक समाहित हो जाना, समाधान करना चाहिए, फिर कब करेंगे। ये बार बार मौका नहीं मिलता है, जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ऐसे मनुष्य शरीर में भी सत्संग का मौका बार बार नहीं मिलता है। ये कृपा होती है भगवान की, तब ये मिलता है। उसका अर्थ होता है भगवान अपने पास खींच रहे हैं, जो कि इधर आ जाओ, ऐसे भगवान वालों बुला रहे हैं, हमारे अपने पास ले रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। तुम सुख दुख में उलझो मत, नफे नुकसान में उलझो मत, संसार के बालकों के बच्चे जन्मने में और दूसरे बूढ़े मरने में उसमें मत उलझो। ये तो संसार परिवर्तनशील है, ये तो होता रहता है, ये होगा ही स्वाभाविक। कोई धनी होगा, कोई गरीब होगा, कोई सुखी होगा, किसी होगा, किसी को बीमारी आ गई, कोई बीमारी में ठीक हो गया, कोई मर गया, किसी को जन्म गया, किसी का ब्याह हो गया, किसी कुछ हो गया, ये होता रहता है। तो जैसे दिन और रात्रि अलंग उलंग नहीं है, उलंग नहीं करते, अलंग हम दिन रात के वक्त आप साफ रात आती नींद आती, ऐसे ही तो आते रहते हैं। इसमें उलझ जाओ तो अपने काम से वंचित रह जाओगे। इसमें जितनी सेवा करना हो, दूसरों की सेवा करना हो, उपकार करना हो, हित करना हो, सुख पहुंचाना हो, तो वो पहुंचा दो, वो काम कर दो, उनको सहायता कर दो। जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें अपनी तरफ से मदद कर दो, सहायता कर दो, उलझो मत। निगाह रखो कि अपना कोई नहीं है, अपने यही है कि अपना जितने अपना जीते हैं उन अपने की सेवा करने के लिए अपने हैं, वे सहायता करेंगे, कुछ देंगे, ये बिल्कुल गलती होगी। ऐसी आशा रखोगी, आशा ही परमम दुखम और वैराश्यम परमम सुखम। सुख की हित की इच्छा आशा कामना न रख करके केवल सेवा ही सेवा बदल जाओ, आराम ही आराम पहुंच जाओ, हित हित करो, सेवा ही सेवा करो और भगवान को याद करो। ये खास दो काम मनुष्य के लिए है, देवताओं को भी ऐसा मौका नहीं मिलता है, और पशु पक्षियों को, भूत प्रेत पिशाचों को ये मौका नहीं मिलता है। ये मौका मनुष्य ही मिला है, मनुष्य शरीर में करने लायक की चेतावनी सत्संग से मिलती है, शस्त्रास्त्रों से मिलती है। संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने अपने मेहनत करके जो तत्व को प्राप्त किया, उसकी प्राप्ति में लगने के लिए ये मौका दिया है मनुष्य शरीर का और सत्संग का। सावधान होकर उसमें लगो, ये हरदम नहीं रहेगा। जैसे सावन का घास होता है, अच्छा अच्छा वो सदा वैसा नहीं रहता है, वो वर्षा होगी तो भी पक जाएगा, नहीं तो सूख जाएगा, वो दशा रहने वाली नहीं है। ऐसे इस मानव शरीर की दशा ये रहने वाली नहीं है, जीने का पता नहीं, जियो तो ये शरीर में शक्ति ये क्षीण हो जाएगी, फिर नहीं रहेगी, बूढ़े हो जाओगे, फिर वो सामर्थ्य नहीं रहेगी, रोगी हो जाओगे, वियोग हो जाएगा, आफत आ जाएगी, तो मौका नहीं लगेगा। अभी मौका लगा हुआ है तो ऐसा अवसर है, उसको
कृपा से सदुपयोग करके अपना कल्याण कर दो। तो ये सावधानी के साथ ये काम करना है, विशेष निगाह रखो, सावधानी रखो। समय जा रहा है, बड़ा तेजी से खर्च हो रहा है, मृत्यु आ रही है, निरंतर पास में आ रही है मौत। कब चेत करोगे, वो होश में कब आओगे, कब अपना कल्याण करोगे, अपने हित करने की, अपना कल्याण करने की बारी कब आएगी? अभी है ये, अभी कर सकते हैं। और अभी मौका चूक गया तो फिर मिलना हाथ की बात नहीं है। ये मौका मिलता है वो भगवान की कृपा से, अपने उद्योग से नहीं मिलता है, अपने पैसे खर्च करने से नहीं मिलता है। ऐसा मालूम हो जाए कि इतना खर्च करते हैं, हम करते हैं जैसे हो गया, ये हाथ की बात नहीं है। अपना उत्साह वो भी चाहिए, खर्च कर चाहिए, सब कुछ चाहिए, परंतु मिलता है सब तरह से भगवान की कृपा से। जबरदस्ती कैसे मिला देंगे हम, कोई हमारी स्वतंत्रता चलती हो ऐसी बात नहीं है। अभी स्वतंत्रता नहीं चलती है, तो विशेषता से सावधानी रखते हुए भजन ध्यान में लग जाओ। जो साधन आप कर रहे हो उस साधन को तेजी से करो। नाम जप है ये सरल है, चौं दुग चौं सूचि नाम प्रभाव, और कली विशेष नहीं आने को, कल युग में विशेष है ये, तो वो भी मौका है विशेष नाम जप करने का, सत्संग करने का। ये अवसर आया हुआ है, ये अवसर बीत जाएगा फिर कुछ नहीं है। आज दिन तक उम्र बीत गई, उसमें अच्छा करते तो हम अच्छे बन जाते, पर अब वो काम आ नहीं सकते, वो आयु तो गई, वो मौका तो गया, वो समय गया, वो गया ऐसे आगे बचा हुआ ये समय भी तो जा रहा है, प्रतिक्षण बीत रहा है और अंत का समय जल्दी आ रहा है। मारे आज मौत अचानक चपेट गई, अचानक मौत आ गई, वो ये गली के मैं रात गिरेगी, थोड़ी देर में खत्म हो जाओगे। इस वास्ते यावत स्वस्थ विदम करे मर गए हम, जब तक स्वास्थ्य ठीक है, वो वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों की शक्ति है, आयु खत्म नहीं हो गई है, तभी तक आदमी को चाहिए अपने कल्याण का मार्ग ठीक करे। घर में आग लग जाएगी उसके बाद में कुआं खोदोगे, कहोगे जल निकालो, अरे जल निकलने राख ही उग जाएगी, अग्नि क्या बुझाओगे? फिर पता नहीं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, अभी अभी कर लो। किसी दूसरे का अंत होता है उसको नाम सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, भगवान की भक्ति करो, उसका समय क्या रहा है उसको लगाओ और अपने में लग जाओ। सत्य हृदय से हे नाथ हे प्रभो हे प्रभो को पुकारो, सत्य हृदय से, सत्य हृदय से प्रार्थना जो भक्त सत्ता लाया है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। सत्य होती है आज ऐसी, वो भगवान की वह सुनाई देती है तो व्याकुल होकर कहो हे नाथ हम बचाओ, हमें बचाओ, हम बच जाए, आप में लग जाए सत्य हृदय से, ऐसी कृपा करो नाथ, कृपा करो, ऐसे भगवान की कृपा मांगो और भगवान से कहो। अपना उद्योग करो बड़ी सावधानी के साथ, एक एक क्षण अच्छे अच्छे उत्तम से उत्तम काम में लगे, इसके लिए सावधान हो जाओ। नहीं तो सो परम तत्व को पावे हैं सिर्फ धुनी धुनी पछता है, समय चूक पुल का पछताने का वर्षा जब किसी सुखा दे, फिर सूख जाए फिर वर्षा क्या करेगी? अभी मौका चूक जाओ फिर क्या करे? आज दिन तक की उम्र गई, उसमें बाल्यावस्था से लेकर अगर करते हैं तो कितने हम अच्छे बन जाते। मेरे तो कई बार मन में आया है कि हमारे साथी अगर लगते थे तो कैसे अच्छे बन जाते, अब वो समय चला गया, वो चला गया, अब क्या करें? अब वो तो हाथ आता नहीं। इस तरह से भाइयों सज्जनों ये मौका मिला हुआ है, ये हाथ से निकल न जाए, इसके लिए सावधान हो जाओ। बड़ी सावचेती से
रहा हुआ समय भगवान में लगाओ, हरदम सावधान। पैसा है वो तो खर्च करो तो खर्च होगा, नहीं तो पड़ा रहेगा। और ये आयु तो खर्च हो ही रही, आप खर्च करो न करो आपके अधीन नहीं है, किंतु स्वास्थ्य जा रहे हैं, प्रति क्षण उम्र जा रही है और प्रति क्षण मौत आ रही है। पर फिर कब करोगे? अभी है मौका इसका। इस बार सच्चे हृदय से लग जाओ, हे नाथ, हे प्रभु, हे कृपालु, आप में लग जाए हम, और हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा, आपका स्मरण दो नाथ, आपकी स्मृति दो, हे प्रभु, आपका प्रेम दो, आप प्यारे लगो, आप अच्छे लगो, ऐसे आकर्षण दो नाथ। ये आकर्षण हमारा तो संसार में हुआ है, शरीर की प्रधानता को लेकर संसार में आकर्षण होता है, स्वयं को लेकर भगवान में आकर्षण होता है। तो शरीर का आकर्षण वो तो पतन करने वाला है, जितना आकर्षण करके पदार्थ संग्रह करो, भोग भोग लो, तो उसमें समय तो बर्बाद होगा, मौत नजीक आ जाएगी और अचानक आ जाएगी, उसी समय जाना पड़ेगा। पता है नहीं, जन्म से लेकर 100 वर्षों तक मौत सब वर्षों में, सब महीनों में, सब दिनों में खुली है, न जाने कब हमारी बारी आ जाए अचानक ही। तो हरदम सावधान रहते हुए वजन संग्रह करो, अपने अच्छा उपाय अच्छा करो, अच्छा बर्ताव करो, सबकी सेवा करो, स्वार्थ का त्याग करके सबको सुख पहुंचाओ। सर्वभूत हित रहता पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। तो सबकी सेवा कैसे हो जाए, कितने से सबको आराम पहुंचे, सबका कल्याण कैसे हो जाए, जल्दी जल्दी सब कल्याण कैसे हो, ऐसी मन में लालसा जागृत करो, ऐसी इच्छा जागृत करो और उस उद्योग में लग जाओ। फिर मौका मिलने का है नहीं, ये मिल गया है भगवान की कृपा से तो अच्छा है, पर तो बार बार नहीं पाए मैंने की मौज, ये शरीर बार बार नहीं मिलता है। 84 समुद्र दूर कई भूल भाग के प्यारे अंत हुए, 84 लाख दूरी भुगतते भुगतते ये मानव सही मिला है, फिर न चक्कर चढ़ जाएंगे क्या पता, कितना चक्कर चढ़ेगा, क्या क्या करेंगे पता नहीं है। इस वास्ते समझदार को चाहिए कि इसमें जल्दी से जल्दी लग जाए और अपने उद्धार के लिए तत्परता से काम कर रहे, नहीं तो बड़ी मुश्किल है भाई, क्या करोगे, हाथ में बात नहीं है। समय रहते रहते आप कर सकते हो और समय बीत जाए फिर क्या करोगे, आज दिन का समय बीत गया, आज दिन तक का तो क्या हो, अब क्या करें, वो बीत गया उसको क्या करें, वो तो गया, अच्छा गया, मंदा गया, क्या काम में गया, वो तो चला गया, वो अब काम में नहीं आ सकता। ऐसे अभी का समय भी फिर काम में नहीं आएगा, अभी का समय अभी काम आएगा, समय पाकर फिर काम में नहीं ले सकेंगे। वास्ते बड़ी सावधानी से बार बार जीवन चलानी चाहिए, दुनिया की सेवा करनी चाहिए, सबको सुख कैसे पहुँचे, सबका आराम कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ऐसे सबका कल्याण चाहना, ये भी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक हो जाएगा। और परमात्मा का भजन स्मरण करना, सत्संग स्वाध्याय प्रसन्न करना, ये भी परमात्मा सहायक हो जाएगा। तो स्वार्थ का त्याग कर सेवा भी परम कल्याण में सहायक हो जाएगी, दोनों मिलकर के एक पर हो जाएगा काम, परमात्मा को दिख जाएगी और संसार में लग जाएंगे। तो महाराज भजन ध्यान आदि भी सकाम भाव जो संसार में, तो दोनों ही संसार में जाए बहुत नुकसान में चला जाएगा, तो नुकसान में हो जाए असली लाभ उठा ले, इसलिए बड़ी सावधानी तत्परता से सेवा में लग जाओ, भगवान को याद करो, सर्वेशु कार्येषु मा मनोस्मरणं देखो, काम करो मेरे सब समय में मेरा स्मरण करो, भगवान को याद करो, उसको याद रखते हुए संसार का काम करो, इससे ठीक होगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाई। पूर्ण धनापति जब तक मौत ना आवे तब तक भरा जीतन कर लो, फिर कुछ नहीं करता, फिर कर नहीं सकोगे, फिर हाथ में बात रहेगी नहीं,
समय चूंकि पूरी का पड़ता नहीं, फिर पश्चाता हो आदमी बड़ा समय गया उसको हम अब काम में नहीं लगा सकते। ऐसे आज का समय ये भी चल जाएगा, इस समय वो काम नहीं ले सकते, अभी सावधानी से काम ले सकते मत लगे। उस बात से दो काम है, संसार का काम और भगवान का, दोनों को परमात्मा में लगा दो, संसार काम भी हो जाएगा और परमात्मा हो जाएगी, दोनों बातें हो जाएगी। नारायण 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 नारायण।